तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल के बारे में। यह कितने प्रकार का होता है और इसे किस प्रकार से खेला जाता है, हम ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों, पहले नंबर पर है गिल्ली डंडा, जिसे छत्तीसगढ़ में बहुत ही पसंद किया जाता है। इस खेल को सिंगल या जोड़ी दोनों तरीके से खेला जाता है। इस खेल को खेलने के लिए लकड़ी का डंडा और लकड़ी की गिल्ली होना अति आवश्यक है। फिर एक बड़े गोले के अंदर डंडे की सहायता से गिल्ली को मारा जाता है। जिसकी गिल्ली सबसे कम दूरी जाता है, वो उसको दाम देना पड़ता है। हारने वाले को गिल्ली फेंक कर गोले के अंदर डालना होता है। इधर जीतने वाला डंडे से गिल्ली को रोकता है। गोले में गिल्ली आने पर फिर से खेल शुरू करना पड़ता है। गिल्ली गोले के अंदर नहीं आता तब तक जीतने वाला बार बार गिल्ली को मारकर दूर भेजता रहता है। पारी वाला फिर गिल्ली को गोले में डालने की कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पर है अटकन बटकन। इस खेल में बच्चे आंगन व पर्ची में बैठकर गोलाकार घेरा बनाते हैं। घेरा बनाने के बाद जमीन में हाथों के पंजे रख देते हैं। एक लड़का अगुआ के रूप में अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उन उल्टे पंजों पर बारी बारी से छूता है। गीत की अंतिम उंगली जिसकी हथेली पर समाप्त होती है, वह अपनी हथेली सीधी कर लेता है। इस क्रम में जब सबकी हथेली सीधी हो जाते हैं, तो अंतिम बच्चा गीत को आगे बढ़ाता है। इस गीत के बाद एक दूसरे के कान पकड़कर गीत गाते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है फुगड़ी, जो कि लड़कियों में सबसे लोकप्रिय खेल है। फुगड़ी चार छह लड़कियां इकट्ठा होकर उखरू बैठकर बारी बारी से लोच के साथ पैर के पंजों द्वारा आगे पीछे चलती हैं। थक कर या सांस भरने से जिस खिलाड़ी के पांव चलने रुक जाता है, वह हट जाती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है डंडा कोलाल, यानी कि डंडा पचरंगा। डंडा कोलाल गांव के चरवाहा बच्चों का सबसे पसंदीदा खेल है। इस खेल को कम से कम 3 से 10 तक की संख्या में खेला जा सकता है। इस खेल को खेलने के लिए निर्धारित स्थान में बारी बारी झुककर अपने दोनों टांगों के बीच से अपने डंडे को ताकत लगाकर फेंकना होता है। जिसका डंडा कम दूरी तक जाता है, उसे दाम देना होता है। फिर हारने वाला अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर डंडे को हाथ में रखता है। बाकी लोग पीछे से उसके डंडे को अपने डंडे से फेंकते फेंकते दूर ले जाते हैं। डंडे को फेंकते समय फेंकने वाले को निर्धारित चीजें जैसे पत्ती, कंकड़ आदि को छूना होता है। दाम देने वाला उन लोगों को छूने का प्रयास करता है जो उसके डंडे को अपने डंडे से फेंकते हैं। यदि फेंकने वाले निर्धारित वस्तु को नहीं छू पाता है और दाम देने वाला उसे छू लेता है, तो फिर जिसको छूता है उसे दाम देना पड़ता है। दोस्तों, पांचवा है लंगड़ी। यह बहुत ही चातुर और चालाकी का खेल है। यह छूछुअल की भांति ही खेला जाता है। इसमें खिलाड़ी एड़ी मोड़कर बैठ जाते हैं और हथेली घुटनों पर रख लेते हैं। जो बच्चा हाथ रखने में पीछे होता है, बीच में उठकर कहता है। दोस्तों, छठवें नंबर पर है कबड्डी, जिसे छत्तीसगढ़ में खुड़वा कहा जाता है। खुड़वा पाली दर पाली कबड्डी की ही भांति खेले जाने वाला खेल है। दल बनाने के इस नियम में कबड्डी से अलग है। दो खिलाड़ी अगुआ बन जाते हैं, शेष खिलाड़ी जोड़ी में गुप्त नाम धरकर अगुआ खिलाड़ी के पास जाते हैं। चटक जा कहने पर वे अपना गुप्त नाम बताते हैं। नाम चयन के आधार पर दल बन जाता है। इसमें निर्णय की भूमिका नहीं होती, सामूहिक निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, सातवें नंबर पर है बित्ता कूद। बित्ता कूद ऊंची कूद का ही रूप है। इस खेल को सिंगल या दो दो की जोड़ी में खेला जाता है। जब एक जोड़ी बैठकर पैर और बित्ते की मदद से ऊंचाई को बढ़ाते जाते हैं, बाकी जोड़ी बारी बारी से उस ऊंचाई को कूदते हैं। यदि किसी का साथी कूद नहीं पाता या कूदते समय टच हो जाता है, तब उसका साथी उसके बदले कूद देता है। यदि उस ऊंचाई को पार कर लेते हैं तो अगला राउंड चलता है, और यदि नहीं कर पाते तो उन्हें दाम देना पड़ता है। दोस्तों, आठवें नंबर पर है परी पत्थर और अमृत बीस। परी पत्थर, अमृत बीस, ये दोनों खेल एक ही हैं। इसमें कोई अंतर नहीं है। जिस किसी को भी दाम देना होता है, वह किसी को छूकर पत्थर या बीस बोलता है। ऐसी स्थिति में पत्थर जैसा खड़ा रहना होता है। जब उसके अन्य साथी परी या अमृत बोलकर छूते हैं, तो वह फिर इधर उधर भाग सकता है। यदि भागते हुए वह पकड़ा गया तो दाम उसे देना पड़ता है। दोस्तों, नौवें नंबर पर है गोटा। इस खेल को ज़्यादातर लड़कियां ही खेलती हैं।
इस खेल को दो तरीके से खेला जाता है और बैठकर खेला जाता है। बहुत सारे कंकड़ को बिखेर कर बारी बारी से बिनते हैं। सभी कंकड़ को एक एक कर बिना जाता है और बिनते समय कोई दूसरा हिल गया तो जितना कंकड़ हिला रहेगा उतने को दूसरे को देना पड़ता है। दूसरे से हिला तो पहले वाले को देना पड़ता है। इस प्रकार ज़्यादा कंकड़ जीतने वाला जीत जाता है। हारने वाला जीतने वाले को उसका उधार चुकाता है। गोटी के दूसरे तरीके में पांच गोटी की मदद से छर्रा, दुआ, तिया, चौके, उदल कुल तक बिना जाता है। इस प्रकार पाँच से सात राउंड तक खेल चलता रहता है। जो बिना गिराए उस राउंड तक जल्दी पहुंच जाता है वह जीत जाता है। दोस्तों, दसवें नंबर पर है फल्ली। इस खेल को पांच लोग मिलकर खेलते हैं। बीच में खपरेल का टुकड़ा रखा होता है जिसे बचाते हुए दाम देने वाला चारों तरफ फल्ली बोलते हुए पूरा करता है। इस बीच में चारों खाने में खड़े खिलाड़ी उस खपरेल को चुराने की कोशिश करते हैं और चुराने के बाद अपने तीनों साथियों को बांटते हैं। यदि दाम देने वाला उसे छू लेता है तो उसे दाम देना पड़ता है। तो दोस्तों, ग्यारहवें नंबर पर है नदी पहाड़ और अंधियारी अंजूर। दोस्तों, नदी पहाड़ का खेल सामूहिक खेल है। इस खेल को खेलने के लिए ऊंचा और नीचा स्थान का होना बहुत ज़रूरी है। नीचे वाला स्थान नदी और ऊपर वाला स्थान पहाड़ कहलाता है। पारी से पूछा जाता है कि नदी लेबे या पहाड़, फिर पारी वाला नदी कहता है तो सभी को पहाड़ वाले स्थान पर जाना होता है और पहाड़ बोलने पर नदी वाले स्थान पर जाना होता है। इस बीच जाते समय किसी को छू लेता है तो उसे दाम देना पड़ता है। और अंधियारी अंजोर के खेल को भी नदी पहाड़ के खेल जैसा खेला जाता है, पर इसमें नदी पहाड़ के स्थान पर अंधियारी या अंजोर बोला जाता है। इस खेल में छाया और उजाला वाला स्थान होना अति आवश्यक है, इसलिए बच्चे इस खेल को दिन ढलने के बाद खेलते हैं। दोस्तों, बारहवें नंबर पर है बाटी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कंचा को ही बाटी कहा जाता है। 10, 20, 30, 100 तक गिनकर एक दूसरे में बाटी को मारते हैं। जिनका जिनका 100 जल्दी हुआ वे सभी जीत जाते हैं, जिनका 100 नहीं हो पाया वह हार जाता है। फिर कदम से नाप कर अपने बाटी को दूर में रखता है। सभी अपने बाटी से उसके बाटी को निशाना लगाते हैं, पड़ता तो फिर कदम से नाप कर बाटी। इस प्रकार खेल चलते रहता है, नहीं पड़ा तो पुनः खेल शुरू हो जाता है, फिर 10-20 बोलकर एक दूसरे के बाटी को निशाना लगाते हैं। दोस्तों, तेरहवें नंबर पर है भौंरा। भौंरा का खेल बच्चों का पसंदीदा खेल है। हिंदी में इसे लट्टू कहा जाता है। इस खेल में लकड़ी के गोल टुकड़े में खिल लगाकर जिसे रस्सी में लपेटकर फेंकते हैं, जिसमें भौंरा कील के सहारे गोल घूमने लगता है। इस खेल में एक दूसरे के घूमते भौंरों को गिराना। दोस्तों, अगला जो खेल है वो है बिल्लस। बिल्लस के खेल को आंगन में बिछे पत्थरों पर खेला जाता है। कभी कभी जमीन में चौकोर चौकोर डिब्बा बनाकर भी खेलते हैं। इस खेल में घर यानी कि खाना जीतना होता है। तो दोस्तों, ये रहा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल के बारे में हमारा ये वीडियो। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और आप लोगों ने इनमें से कौन कौन सा खेल खेला है हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।